नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हेल्थ। इंडिया न्यूज़ हेल्थ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ख़ास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है इंडिया न्यूज़ हेल्थ ओपीडी। दोस्तों, आपको सबसे पहले एक खबर बता देती हूँ कि ये ओपीडी हमेशा रहेगी आपके लिए सोमवार से लेकर शनिवार शाम 6 बजे। आप पूछ सकते हैं ढेर सारे सवाल हमारे एक्सपर्ट के साथ। तो आज का जो टॉपिक है लाइव सेशन का, वो रहेगा हेयर ट्रांसप्लांट आखिर कितना सेफ है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि हमारा लाइफस्टाइल आजकल इतना ख़राब हो गया है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ और जैसे डैंड्रफ होता है और बहुत सारी समस्याएं हमारे बालों को लेकर आजकल देखने को मिल रही हैं। ये पहले समस्याएं होती थी जब हमारी एक उम्र निकल जाती थी, तब ये समस्या हमेशा हमारे सामने आती थी, लेकिन आजकल ये युवाओं में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी पर आज पूरी चर्चा रहेगी। और साथ साथ आपको बता देते हैं कि हाल ही में एक खबर आई थी, आपने भी सुनी होगी, कि एक शख्स ने दिल्ली के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, उसके बाद उनकी अचानक से डेथ हो गई। तो इस पर भी आज रोशनी डालेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर आज हम सवाल आपके लेकर आए हैं और जवाब भी देंगे। तो साथ में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी ख़ास मेहमान और दिल्ली की जानी मानी एक्सपर्ट, जो डॉक्टर निशा हमेशा आपको देंगी सवाल सही तरीके से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निशा आपका हमारे इस लाइव सेशन में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच समर, थैंक यू सो मच स्टार न्यूज़ आज मुझे इन्वाइट करने के लिए अपने स्टूडियो में। मैं डॉक्टर निशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं एक एस्थेटिक फिजिशियन ट्राइकोलॉजिस्ट अमेरिकन बोर्ड एस्थेटिक मेडिसिन से ट्रेंड हूँ। हेबे स्किन हेयर क्लिनिक मेरा अपना क्लिनिक है और आप सब जुड़ जाइए, सारे अपने क्वेश्चन लेके बचा करिए अपने क्वेश्चन का और हम यहाँ आपको सॉल्यूशन के लिए रेडी हैं। आपके क्वेश्चन का मैं वेट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन लेके प्लीज़ प्रोसीड करें। बिल्कुल, तो डॉक्टर निशा सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा कि सिर से बाल झड़ने की बीमारी लोगों को अपने परिवार से मिलती है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली हेयर फॉल जो है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये हेरिडिटरी हार्मोनल दोनों चीज़ है। सिर्फ हेरिडिटरी नहीं होता है, मतलब जेनेटिक भी होता है, बट ज़्यादातर कॉमन आजकल ये इसलिए है बिकॉज हम बहुत ज़्यादा केमिकल्स, हेयर कलर्स, हेयर डाइस ये सब यूज़ करते हैं। तो जितना हम केमिकल की ओर जाएंगे उतनी हमारी हेयर फॉलिकल डैमेज होगी, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है आज के लिए। तो सबसे पहले इसमें जितना लेस केमिकल यूज़ करें हेयर फॉल कंट्रोल के लिए और प्रिकॉशन ले स्कैल्प केयर करें, तो जल्द से जल्द आप खुद ही एसेस कर पाएंगे कि आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। और उसके साथ साथ हेयर फॉल के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स क्लिनिक्स में अवेलेबल हैं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपना स्कैल्प असेसमेंट कराएं और ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। बिल्कुल डॉक्टर निशा, मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? बाल झड़ने की, मैंने जैसे बताया, बाल झड़ने की बहुत सारी रीज़न है। फीमेल्स मेल्स दोनों में हेयर फॉल की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फीमेल में ज़्यादातर केमिकल और हार्मोनल दोनों चीज़ों की वजह से हेयर फॉल होती है, बट मेल में मोस्टली मेल में देखा जाता है जेनेटिक, मतलब पेरेंट्स को है, पैटर्नल साइड मेटर्नल साइड में ये वो टेंडेंसी है। मेल में थोड़ा हेयर रिसीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्राउन एरिया से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। बट मेल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेल स्कैल्प को ज़्यादा केयर नहीं करते हैं। स्कैल्प की अगर केयर प्रॉपर नहीं करेंगे तो हेयर फॉल डैंड्रफ क्रिएट करेगा और डैंड्रफ अगर क्रिएट होगा तो हेयर फॉल जाहिर सी बात है हेयर फॉल होगी। बिल्कुल डॉक्टर निशा, जैसे कि आप भी जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो ये एक प्रोसेस है ये काफ़ी चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर हेयर ट्रांसप्लांट है क्या? हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है, इन्वेसिव प्रोसेस है, बट हेयर ट्रांसप्लांट को लेके आजकल बहुत लोगों के अंदर डर बना हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कोई टफ प्रोसेस नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए ज़रूरी है जो बाकी सारे ट्रीटमेंट्स लेके, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके फेल्योर हो चुके हैं और उनके फॉलिकल में ग्रोथ नहीं है, तब उनको लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है।
तब फिर वो प्रोसीड कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जिकल प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन कोई डैमेज नहीं है और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। अगर आप और कोई ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर आपको कोई और सेकेंड ऑप्शन नहीं है, आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही जाना पड़ेगा। और हेयर ट्रांसप्लांट में कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं होती है, आपकी खुद ओन हेयर फॉलिकल यूज़ होती है डोनर एरिया से। डोनर एरिया बेसिकली हम बैक ऑफ द हेयर को डोनर एरिया बोलते हैं, तो वहाँ की हेयर हम ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरी जगह पे। तो ये बहुत ही सेफ प्रोसेस है, बट सेफ प्रोसेस तो है लेकिन आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन में कराना चाहिए। हाँ बिल्कुल डॉक्टर निशा, अभी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कुछ सवाल ले लेते हैं। और आप अगर आपको डॉक्टर निशा से सवाल पूछने हैं हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर आपके बाल झड़ रहे हैं या कोई भी ऐसा सवाल आपके दिल में है तो आप बखूबी पूछ सकते हैं इस लाइव सेशन में। तो सवाल ले लेते हैं। रमीज जी का सवाल है, मेरा सवाल ये है कि क्या एक बार ट्रांसप्लांट कराने के बाद दोबारा कराने की जरूरत पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट? हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है बट इंडिविजुअल डिफरेंस है। किसी की हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, किसी की हेयर फॉल कम है, ठीक है। किसी की फॉलिकल स्ट्रॉन्ग है, किसी की फॉलिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है। सपोज़ हेयर आपकी फॉलिकल आपकी बॉल्डनेस बहुत ज़्यादा है और हमने फॉलिकल को इंसर्ट कर दिया, मतलब हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है वो फुलफिल नहीं हुई, तो आपको दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ सकता है। कभी होता है फॉलिकल हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और डोनर एरिया बहुत कम है, तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट एक बार में नहीं हो सकती। एक फर्स्ट फेज में थोड़े फॉलिकल हम ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर दूसरे फेज में और थोड़े फॉलिकल ट्रांसप्लांट करेंगे, बिल्कुल तो दोबारा रिक्वायरमेंट हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर निशा, अभी एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी, अखिल जी का सवाल है, हेयर ट्रांसप्लांट जो होता है वो स्ट्रिप प्रोसीजर और रूट प्रोसीजर ट्रांसप्लांट, इन दोनों से कौन सा सक्सेसफुल और हमारे स्किन के लिए अच्छा रहता है? बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट का दो प्रोसेस है, FUT एंड FUE। आजकल बहुत कॉमन है FUE, बिकॉज FUT प्रोसेस में अगर हम जाते हैं उसमें एक स्ट्रिप हमको सर्जिकली लेना पड़ता है, ठीक है। वो स्ट्रिप हम फिर दूसरे जगह जहाँ पे सपोज आपकी रिसीडिंग लाइन है, हेयर लाइन है या क्राउन एरिया, तो वहाँ पे स्कार और स्टिचेस दिखने की चांसेस है। तो इसीलिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है FUE है, उसमें क्या करते हैं एक एक ग्राफ्ट को हम इम्प्लांट करते हैं, तो एक एक ग्राफ्ट अगर हम इम्प्लांट करेंगे तो स्कार की नौबत नहीं आएगी और आपके स्कैल्प के ऊपर स्कार नहीं दिखेगा। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि आखिर जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये मेल फीमेल दोनों करा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इवन मेरे क्लिनिक में आईब्रो फीमेल्स आईब्रो ट्रांसप्लांट के लिए आती हैं। सपोज आप आजकल कॉमन है फीमेल में भी हेयर ट्रांसप्लांट का, बिकॉज हेयर लाइन रिसीडिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब फॉरहेड ब्रॉड हो जाना, आपकी फॉरहेड जितनी दिख रही है नॉर्मली हमारे 3-3.5 इंच फॉरहेड होना चाहिए, लेकिन फीमेल्स में फॉरहेड आजकल थोड़ा हेयर लाइन पीछे हो रहा है, तो उसके लिए फीमेल्स बहुत आती हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और सेफ है, फीमेल के लिए भी 101% सेफ है, तो करा सकती हैं फीमेल। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल इसके साथ था तो और करना चाहूँगी कि आखिर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा सेफ जाए? ऑफकोर्स प्रॉपर OT होनी चाहिए, प्रॉपर टेक्नीशियन होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर होनी चाहिए, एनेस्थीसिस्ट होनी चाहिए। आपके जो डॉक्टर जो एक्सपर्ट हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं वो हाइजीन कितनी अच्छे मेंटेन करते हैं, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रॉपर हाइजीन के ऊपर बेस करता है। आपको किसी भी तरह से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इन्वेसिव प्रोसेस है और सर्जिकल प्रोसेस है। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन हुआ तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम सीवियरिटी हो सकती है, तो प्रॉपर उसके लिए एनेस्थीसिया, आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम एनेस्थीसिया प्रिपेयर करते हैं, लाइक स्कैल्प को स्कैल्प की क्लीनिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ट्रांसप्लांट से पहले हम प्रिपेयर करवाते हैं, सारे ब्लड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ उनका भी सवाल ले लेते हैं। मैम, शॉर्टी द नॉटी जी का सवाल है कि क्या बालों पर जेनेटिक्स का असर होता है या सिर्फ खान पान पर ही निर्भर होते हैं हेयर फॉल्स? दोनों चीज का सेम इफेक्ट होता है, जेनेटिक जितना रिस्पॉन्सिबल है उतना खान पान भी है।
अगर आपकी ठीक है जेनेटिक के वजह से हेयर फॉल नहीं हो रही है या बॉल्डनेस नहीं है बट आपकी न्यूट्रिएंट्स जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं है आपके अंदर, तो ऑफ़ कोर्स हेयर फॉल होगी और आपको बॉल्डनेस की ओर ले जाएगी। तो डॉक्टर निशा एक सवाल हो रहा है मेरा, जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं हमारे दर्शक, तो उसमें क्या होता है कभी कभी उसका रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, तो आखिर उसके रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं आते हैं? मैंने अभी वही बताया कि हेयर फॉलिकल अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, बहुत थिकनेस उसकी अच्छी नहीं है या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी हेयर फॉलिकल नहीं है, तो आपको चांसेस है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। हेयर ट्रांसप्लांट क्या प्रोसेस है? हेयर ट्रांसप्लांट में हम हेयर फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बैक ऑफ द हेयर से, बैक ऑफ द हेड से होता है, और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं रिक्वायर्ड एरिया पे। अगर रिक्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है, फॉलिकल कम है, तो ऑफकोर्स अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। और सिर्फ ट्रांसप्लांट के बाद भी अब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्कैल्प की मेडिकेशन, प्लाज्मा रिस्पेक्टलेट्स, PRP, स्टेम सेल्स, कॉकटेल्स ट्रीटमेंट, ये सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसप्लांट जितना ही ज़रूरी है, ट्रांसप्लांट के बाद उसकी केयर भी उतनी ज़रूरी है। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल और है मेरा, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक दिल्ली के शख्स ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उसके बाद अचानक से उनकी मौत हो गई, तो आखिर इसके बीच का कारण क्या था, क्या वजह थी? ये बहुत ही वायरल हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है, ये एक पार्लर या सलून में, कोई क्लिनिक में नहीं हुआ है, और मतलब डेथ हुई है, ये सही बात है, बट वही है इन्फेक्शन की वजह से डेथ हुई है, और एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा हो गया था उसमें, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कहीं ज़्यादा एनेस्थीसिया हो गया था, तो एनेस्थीसिया ड्रेन आउट नहीं हो पाया और इन्फेक्शन बढ़ गई। अगर इन्फेक्शन बढ़ी है तो जो सलून में हुआ था ये, वहाँ डॉक्टर नहीं थे, तो कोई एंटीबायोटिक प्रॉपर केयर उनकी नहीं हो पाई है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एक्सपर्ट के साथ, आप डॉक्टर के साथ ही, एक सर्जिकल प्रोसेस है, एक कोई भी सर्जरी हम डॉक्टर के अंडर में कराते हैं, ना ही पार्लर सलून में जाके हम कराते हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही कराना चाहिए, ताकि इसका जो पोस्ट केयर है वो डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड कर पाए, और आप अगर पोस्ट केयर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ओके तो डॉक्टर निशा, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं अभी। रिजवाना जी का सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो जाता है, क्या ये बात सच है? हेयर ट्रांसप्लांट का कैंसर से, मैलिग्नेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने एकदम डायरेक्ट कैंसर को टारगेट किया है, लेकिन वही होता है, अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी तो एक इन्फेक्शन होगी, और अगर इन्फेक्शन बहुत लिंगर करा तो वो मेलिग्नेंसी पे जा सकती है, मतलब कैंसर हो सकती है, बट ऐसा आज तक नहीं हुआ है हमारे जानने में। तो डॉक्टर निशा, मेरा एक सवाल और है आपसे कि आखिर जो हेयर विक लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के साथ हेयर विक यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, हेयर विक का प्रोसेस टेम्परेरी मेथड है, हेयर विक ट्रांसप्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। हेयर विक उनके लिए है जो ट्रांसप्लांट के लिए भी एबल नहीं है, ठीक है, जिसके फॉलिकल नहीं है सपोज, या बहुत डोनर एरिया लेस है, जो ट्रांसप्लांट के लिए फॉलिकल है तो बहुत वीक फॉलिकल है, जो हम ट्रांसप्लांट उनका कर नहीं सकते, फिर वैसे पेशेंट को हम गाइड करते हैं कि ठीक है अपने लुक के लिए, अपने स्टाइल के लिए वो वीक लगा सकते हैं, बट वीक टेम्परेरी मेथड है, और आजकल हेयर पैचेस भी चला है, वो ही कर सकते हैं जो ट्रांसप्लांट जहाँ पे नहीं हो सकता। बहुत केसेस ऐसे आते हैं, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जिसको, जिसकी फॉलिकल नहीं है, बिल्कुल वो परमानेंट बॉल्डनेस हो गई है, तो उस केस में वो वीक, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हेयर पैच या वीक के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो डॉक्टर निशा एक सवाल और लेते हैं, हमारे दर्शक एक सवाल कर रहे हैं। अखिल जी का सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट का अप्रोक्सीमेटली एक बार में क्या कॉस्ट होता है? डिपेंड करता है कितने फॉलिकल हम इम्प्लांट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली जो दिल्ली में चार्जेस है, क्लिनिक के चार्जेस हैं, वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है पर फॉलिकल, और वो 100 रुपीज़ तक भी जाती है, तो डिपेंड करता है अखिल जी आप कौन से क्लिनिक में कराना चाहते हैं, कितने बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं, और कॉस्ट अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग
50,000 से स्टार्ट हो जाती है। डिपेंड करता है, अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो आपको 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक भी खर्च जाती है। और ये डिपेंड करता है एरिया, आप अगर बहुत स्मॉल एरिया के लिए या स्मॉल पैच के लिए करा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपकी चार्जेस कम होगी, और बिग एरिया क्राउन एरिया अगर करा रहे हैं, हेयर रिसीडिंग लाइन करा रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट कम होगी। बिल्कुल डॉक्टर निशा, मेरा सवाल साथ में ये भी होगा कि जैसे अभी ये वीडियो वायरल हुआ था, तो क्या आप बताना चाहेंगे कितना सेफ़ है हेयर ट्रांसप्लांट? मैं हमेशा बोलती हूँ और अपने क्लिनिक में भी हेयर ट्रांसप्लांट करती हूँ, तो 101% सेफ़ है, मेल के लिए भी सेफ़ है और फीमेल्स के लिए भी। इवन हेयर ट्रांसप्लांट आईब्रोज के लिए भी, बियर्ड के लिए, मोस्टेज के लिए सेफ़ है। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद अगर हम प्रॉपर पोस्ट केयर और मेडिकेशन नहीं करें तो वो लीड करता है कोई बिग इशू को। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक मिथ है लोगों के दिमाग में, और ये वीडियो जितनी वायरल हो गई है लोग आजकल डर गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो हेयर ट्रांसप्लांट 101% सेफ प्रोसेस है। बिल्कुल, तो एक सवाल और ले लेते हैं अपने दर्शक का। हमारे यूजर है मोशन ग्राफिक नेम है उनका कहना है कि क्या हेयर्स में जो हम शैम्पू यूज करते हैं क्या वो भी हमारे हेयर्स में साइड इफेक्ट्स ला सकते हैं? बिल्कुल, हेयर में अगर आप शैम्पू यूज करते हैं और वो शैम्पू अगर आपके लाइक नहीं है, मीन्स आपको मतलब कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट्स ना यूज़ करके आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज़ करिए जो अमोनिया फ्री हो और वो हेल्दी हो, प्रोडक्ट्स हेल्दी, केमिकल फ्री होना चाहिए और वो हेल्दी होना चाहिए, ना ही कोई भी प्रोडक्ट उठा के आपको यूज़ कर लेनी चाहिए। आपको नहीं पता, आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया मे बी वो केमिकल बेस्ड हो तो हेयर फॉल क्रिएट कराएगा, तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है, आप ट्राइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर एस्थेटिक कोई भी आपके जो भी नियर बाय डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट करें, हेयर एक्सपर्ट को कंसल्ट करें तो सबसे बेस्ट होगा। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल और है मेरा कि क्या PRP जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें ट्रांसप्लांट के तरफ ले जा सकता है या रोक सकता है? PRP एक प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है, PRP बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। PRP का हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ बिल्कुल दोनों चीज़ इंटरलिंक्ड है। हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट आते हैं सबसे पहले हम गाइड करते हैं उनको, अगर देखते हैं बॉल्डनेस कितनी है, अगर प्राइमरी स्टेज पे है तो हम उनको PRP से भी ठीक कर सकते हैं, अगर वो सेकेंडरी स्टेज पे पहुंच गई है तो पहले ट्रांसप्लांट करते हैं, फिर उनको रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम PRP के लिए गाइड करते हैं। लाइक PRP एक मेडिकेशन की तरह है, PRP कुछ कोई केमिकल नहीं है, प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स है, आप ही का बॉडी का ब्लड है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके और उसको स्कैल्प के ऊपर बहुत नेपायस टेक्नोलॉजी से उसको इंसर्ट करते हैं। तो बहुत ही सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। डॉक्टर निशा, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि जैसे अभी युवाओं के अंदर ये समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि लोग ज़्यादा हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग ये सब कराते हैं? तो क्या, साथ में एक सवाल और भी जोड़ रही हूँ मैं इसमें कि क्या केराटीन हमारे लिए सेफ है? केराटीन एक लुक को आपका चेंज करता है, फिजीनेस को कम कर देता है, ये एक है तो ये केमिकल बेस्ड, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी केराटीन, बट आपको प्रेजेंटेबल लगना है, आपकी कर्ली हेयर है, आपको ऑफिस जाना है, तो नॉर्मली फीमेल्स जाती हैं केराटीन के लिए। केराटीन मतलब अगर आपके हेल्दी हेयर है तो ऑफकोर्स आप केराटीन के लिए जाइए, अदरवाइज आपके अगर हेयर फॉल हो रहा है या बहुत आपने केमिकल स्मूदनिंग कलर डाइज आपने यूज़ किया है तो फिर आप केराटीन के लिए नहीं जाएं और प्रॉपर स्कैल्प की ट्रीटमेंट के लिए जाएं। ठीक है, तो अभी एक दर्शक का सवाल और ले लेते हैं। प्रवीण मौर्य जी हमसे पूछ रहे हैं कि उनके हेड के दोनों साइड पर हेयर लॉस हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, क्या टिप्स देंगे? हेयर फॉल के लिए मैं अगर दोनों साइड से जा रही है तो जेनेटिक होगा मुझे, बट इंडिविजुअल वो पेशेंट को देखना पड़ेगा कि उनकी हेयर फॉल किस टाइप की है, जो पैटर्न है हेयर फॉल किस साइड से हो रही है। सबसे पहले आपको जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो विज़िट करिए और मुझे स्कैल्प अपना एनालाइज कराइए,
फिर मैं गाइड करूँगी आपको कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट होगा। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल और है मेरा, जैसे ये डेंड्रफ की समस्या सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या इससे भी हमारा स्कैल्प खाली हो जाता है? क्या इसके बचाव के लिए आप क्या टिप्स देंगी हमारे यूजर्स को? डेंड्रफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और विंटर में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम विंटर में हॉट वाटर यूज़ करने लगते हैं। हॉट वाटर एक बहुत अहम रोल करता है हेयर के लिए। आप हेड वॉश कर रहे हैं, अगर ल्यूकॉम वाटर से कर रहे हैं तो आपकी हेयर फॉल नहीं होगी और डेंड्रफ भी नहीं होगा। और डेंड्रफ एक इन्फेक्शन है, जैसे हमने स्कैल्प को क्लीन नहीं रखा, सर्टन इंटरवल पे हेयर वॉश नहीं किया और प्रॉपर जो रिक्वायर्ड शैम्पू है उससे हमने हेयर वॉश नहीं किया, तो डेंड्रफ की सीवियरिटी होगी और विंटर में बढ़ेगी। तो इसके लिए भी बहुत सारे शैम्पूस एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं, तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर नहीं है कि मैं आपको रेकमेंड करूँ ये शैम्पू सब यूज़ कर सकते हैं, बट एंटी डेंड्रफ जो शैम्पू मार्केट में आती है दैट इज़ केमिकल बेस्ड, बट आप कंसल्ट करें डॉक्टर को और मतलब जो भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, डेंड्रफ है या और कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए जाएं। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल और ले लेते हैं अपने यूजर्स का। शुक्रिया शाही जी पूछ रही हैं कि ये हेयर ट्रांसप्लांट जो है कि बहुत लेंथी प्रोसेस है और उसके बाद भी हमें इतना केयर करना होता है और इतनी बिजी स्केड्यूल में इतना केयर हेयर केयर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो कोई इजी तरीका है अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने हेयर को केयर करने की? हेयर ट्रांसप्लांट एक लेंथी प्रोसेस है, बिल्कुल एक सर्जिकल प्रोसेस है। एक स्कैल्प का छोटा सा एरिया भी ट्रांसप्लांट करने के लिए 6 से 7 घंटा मिनिमम लगता है। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है और मतलब हेयर फॉल या हेयर जहां ट्रांसप्लांट करेंगे जो भी एरिया अगर वो कम है तो जल्दी भी हो सकता है, बट मिनिमम इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है 6 to 8 hours रिक्वायरमेंट होती है। स्कैल्प केयर तो हर फेज़ में ज़रूरी है, अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तब भी और अगर ट्रांसप्लांट नहीं करा रहे हैं तब भी। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़रूरी है स्कैल्प की केयर, और बिजी शेड्यूल में आप एक सर्जिकल अगर प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको ट्रांसप्लांट के बाद ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ेगी, आपको मतलब प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। अगर ट्रांसप्लांट के बाद आप केयर नहीं करेंगे तो फॉलिकल शेड ऑफ हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो ट्रांसप्लांट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके तो डॉक्टर निशा, एक सवाल और है मेरा कि आखिर ऑयल, जब हम अपने बालों, पहले ज़माने में क्या होता था, हम ऑयलिंग करते थे अपने बालों में, तो क्या आज आप क्या सजेस्ट करने चाहेंगे कि ऑयल भी हमें बालों में लगाना चाहिए? बिल्कुल, स्कैल्प केयर में बार बार बोल रही हूँ, स्कैल्प केयर में प्रॉपर स्टीमिंग और हेयर केयर में ऑयल सेरम्स इसका मेजर रोल है। ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी है हेयर में वीकली, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको स्टिकी फीलिंग हो रहा है वीकली, जब आपका ऑफ है तब आप यूज़ कर सकते हैं, बट ऑयल एंड स्टीम ये साइमल्टेनियसली करना ही है आपको। स्कैल्प का जितना केयर करेंगे आपकी हेयर रीग्रोथ होगी और रीग्रोथ होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, तो एक सवाल और ले लेते हैं अपने यूजर्स का हम। नाफिया जी का सवाल है कि हेयर फॉल की कमी जानने के लिए हमें क्या क्या टेस्ट कराने होंगे? हेयर फॉल का बहुत सारा टेस्ट है। हेयर फॉल के लिए सबसे पहले हार्मोनल प्रोफाइल के लिए जाना चाहिए। पहले आपको देखना है किस वजह से आपको आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे कंसल्ट करेंगे वो खुद ही सारे टेस्ट आपको मेंशन करेंगे, बट नॉर्मली हम हमारे क्लिनिक में हार्मोनल प्रोफाइल पहले कराते हैं, आपके हार्मोन सारे हार्मोन के लेवल्स क्या है। तो अगर आपका हार्मोनल प्रोफाइल सही है तो आप PRP करा के हेयर फॉल से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल, एक सवाल और है डॉक्टर निशा मेरा, क्या इसमें जैसे लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है काफ़ी, मतलब ये हार्मोन्स तो आपने बताया ये साथ साथ में, तो इस पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे बालों पे असर पड़ता है? पीरियड्स का हेयर फॉल से कोई नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल किसी किसी को हेयर शेडिंग होती है, बट हाँ मैं वही बोल रही हूँ, मुझे आपका अगर सारे हार्मोन्स बैलेंस्ड है, आपके FSH हार्मोन और आपके थायराइड हार्मोन, तो आपका हेयर फॉल नहीं होगा। और अगर हेयर फॉल हो रही है फीमेल में तो हार्मोनल टेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो उससे पता लग जाता है कि कौन से हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपकी हेयर फॉल हो रही है।
तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन और ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं अपने यूजर्स का। हनीन जी का सवाल है कि कौन सा नेचुरल ऑयल स्कैल्प के लिए बेस्ट है विंटर के इस मौसम में? नेचुरल ऑयल बहुत नेचुरल ऑयल की मैं लास्ट में टिप देने वाली थी। नेचुरल ऑयल में मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल के साथ मेथी सीड्स का कॉम्बिनेशन, मेथी सीड्स सबके घर में अवेलेबल है, जैसे मेथी को क्रश करके मस्टर्ड ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में सन एक्सपोजर करें, मतलब ऑयल में मेथी सीड्स डाल के आप सन में रखें और उसको वीकली वंस और ट्वाइस स्कैल्प पे लगाएं। उसके साथ साथ अनियन ऑयल, बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो वो ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे इसमें मस्टर्ड ऑयल बेस्ट होता है। बिल्कुल, एक सवाल और ले लेते हैं अपने यूजर्स का। रामन जी का सवाल है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट 55 की एज में करा सकते हैं? 55 के एज में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, बट आप डायबिटिक ना हो, आपकी आपकी ब्लड प्रेशर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर से डिस्कस करें और सारे टेस्ट आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सारे टेस्ट आपको बताएंगे कौन कौन से टेस्ट के साथ गो थ्रू होना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल, 55 ईयर्स में कोई 60 ईयर्स में भी लोग हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। अगर आपकी डोनर एरिया बहुत अच्छी है तो आप किसी एज में मतलब कर सकते हैं। तो अभी जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमेशा सोमवार से शनिवार तक के लिए ये OPT जारी रहेगी जिसका टाइम रहेगा शाम 6 बजे से। तो आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, इसमें बैठेंगे हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर। तो एक सवाल और ले लेते हैं डॉक्टर निशा। नीरज जी का सवाल है कि जो ये उनके हेयर फॉल्स हो रहे हैं कंटीन्यूअसली इस मौसम में, तो उसको स्टॉप कैसे किया जाए होम रेमेडीज के थ्रू? होम रेमेडी के थ्रू सबसे तो पहले देखिए आपको डैंड्रफ तो नहीं है। हेयर फॉल होने का बेसिक रीज़न डेंड्रफ है। विंटर में डेंड्रफ की वजह से हेयर शेडिंग होती है। अगर डेंड्रफ है तो आप नीम लीप्स जो होती है, नीम का पत्ता नॉर्मली, उसको ड्राई करें, नीम के लीप्स को और ऑयल के साथ मिक्स करके स्कैल्प पे थोड़ा मसाज करें जब भी आपको टाइम मिले, और ओवरनाइट इसको छोड़ दें तो उससे भी डेंड्रफ थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैंने अभी बताया एक और टिप मेथी वाला, तो ये सारी चीज़ें करें तो आपका डेंड्रफ थोड़ा कम हो जाएगा नेचुरली अगर करना चाहते हैं। और साथ साथ हेयर मास्क जरूर यूज़ करें और ऑयलिंग प्रॉपर करें। बिल्कुल, एक सवाल और आ रहा है तो उसको भी ले लेते हैं। आयुषी जी का सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो कहीं उनके नेचुरल हेयर्स को इफेक्ट तो नहीं करता है? हेयर ट्रांसप्लांट कोई सिलिकॉन या कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, आपका नेचुरल हेयर अपना हेयर ही है। आपका डोनर एरिया मीन्स बैक ऑफ द हेयर जो होती है, तो वो हेयर को आप रिक्वायर्ड प्लेस पे ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो अगर आपका यहाँ का हेयर यहाँ आ जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये नेचुरल ही ग्रो होता है, ये नेचुरल हेयर ही है और ये लाइफ लॉन्ग स्टे भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर निशा, एक सवाल है मेरा आपसे कि क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करना चाहिए, इससे हमारे हेयर ग्रोथ में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? 100% न्यूट्रिशियस खाना आजकल हमारे लाइफस्टाइल में है ही नहीं, हम भाग दौड़ की लाइफ जी रहे हैं। और एक्चुअली होता है न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे विटामिंस मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, वो हमारी इनटेक नहीं है, तो ये एक मेजर रोल है हेयर फॉल का। आपके डाइट में आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, हेयर फॉल हो रही है डॉक्टर के पास गए, टैबलेट्स सेरम्स ऑयल्स शैम्पूस ये सब उन्होंने प्रेस्क्राइब कर दिया, क्या आपने चेक किया आपके डाइट में वो इंग्रेडिएंट्स है या नहीं है? तो न्यूट्रिएंट्स आपको सभी न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में मिल जाएंगे, तो मिनरल्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, आप पालक खाइए अभी ये सीजन है, आप कैरेट खाइए, तो ये सारी बहुत ज़रूरी है। कैरा विटामिंस के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स विटामिंस विटामिन डी विटामिन सी सभी की रिक्वायरमेंट है हेयर के लिए। बिल्कुल डॉक्टर निशा, एक सवाल है मेरा कि जैसे आजकल लोग मेडिसिन बहुत यूज़ करते हैं, बायोटिन मेडिसिन है वो, ये कितनी मतलब हमारे लिए बालों पे अच्छा प्रभाव डालती है? बायोटिन सेफ मेडिकेशन है, हम लाइक हेयर ट्रांसप्लांट से पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लाइक किसी का हेयर फॉल हो रहा है तो बायोटिन हम सभी को प्रेस्क्राइब करते हैं, मोस्टली पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। बायोटिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बायोटिन बेस्ड आजकल सेरम्स भी आ गए हैं, बायोटिन के टैबलेट्स तो अवेलेबल है ही मार्केट में, लेकिन अच्छा ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो चूज़ करें और ऑफ़ कोर्स डॉक्टर से मतलब असेसमेंट करा के अपना
सिर्फ बायोटिन नहीं, मतलब हेयर के लिए बहुत और भी विटामिंस की, बायोटिन की मेजर रोल है, उसके साथ साथ बहुत और भी विटामिंस की रिक्वायर्ड है। तो आप अपने ट्रैकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर के पास जाओगे तो ऑफ कोर्स गाइड करेंगे आपको रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा सुझाव दिया। अच्छा, आपने बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल सेफ है, ये जो वीडियो वायरल हुई थी, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर वायरल होती है तो हमारे दिल में डर बैठ जाता है। मैं तो, मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं, हर दूसरा पेशेंट यही क्वेश्चन लेके आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करा तो लूँगा मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। तो ये मैं इस प्लेटफॉर्म में बोलना चाहूँगी, एकदम सेफ प्रोसेस है हेयर ट्रांसप्लांट आप, बट डॉक्टर के कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग कराएं, डॉक्टर के सुपरविज़न में कराएं, और ट्रांसप्लांट के बाद आप सारे पोस्ट केयर पे ध्यान दें, ना ही दूसरे दिन आप ऑफिस उठ के चले जाएं, ठीक है। दूसरा, स्कैल्प केयर, मतलब छोटी छोटी जो टिप्स है उसको फॉलो करें अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा, आपने इतने सारे सुझाव दिए हमारे दर्शकों को। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज़ हेल्थ पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़।